राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं हैं जो बंद कर दी गई है। कुछ ही क्षेत्र में बंद की गई है, ये जयपुर, श्री गंगानगर जिले और कुछ जिलों में ये सेवा है जो बंद कर दी गई है इंटरनेट सेवा। इसका रीजन है सबसे बड़ा पटवारी के एग्ज़ाम, जो पटवारी की परीक्षा है वो चल रही है, पटवारी की परीक्षा है जो चल रही है, ये परीक्षा है जो 23 से 24 अक्टूबर तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 4 पारियों में एग्ज़ाम होने हैं ये पटवारी के, और ये एग्ज़ाम होने हैं सुबह के 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक, जयपुर से बता रहे हम, और 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं। और दूसरी पारियों में मैं आपको बता दूँ 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये एग्ज़ाम होने हैं। 4 पारियों में एग्ज़ाम बताए जा रहे हैं 23 से लेकर 24 तारीख, यानी आज और कल है जो एग्ज़ाम है जो ख़त्म होंगे, और 2 दिन इंटरनेट बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शाम के 6 बजे अब इंटरनेट पर आ जाते हैं। तो इंटरनेट कब स्टार्ट होने वाला है तो आपको बता दें, सरकार के निर्देशानुसार है जो अभी इंटरनेट सेवा रोक दी गई है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होंगे 6 बजे के बाद इंटरनेट सेवा है जो पुनः चालू हो सकती है। और आपको बता दें, हो सकता है कि कल शाम को 6 बजे इंटरनेट सेवा है जो चालू की जाए, लेकिन अभी इंटरनेट सेवाएं हैं जो पटवारी के एग्ज़ाम को देखते हुए रोक दी गई है, निलंबित कर दी गई है। सेवाएं हैं जो आप इंटरनेट यूज एप्लीकेशन वीडियो देखते समय एरर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है अभी सेवाएं हैं जो सरकार ने बंद कर दी है, क्योंकि एग्ज़ाम होने, कोई भी नकल ना हो, विद्यार्थियों के लिए प्रोटोकॉल और जो जो कागजात हैं चाहिए वो सारे उनका ध्यान रखा गया है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो है डिस्टेंस परीक्षाएं होनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 23 से 24 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाएं हैं जो निलंबित कर दी गई है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं हम राजस्थान से। अभी कुछ क्षेत्र में राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं चल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र जहां जहां एग्ज़ाम है वहां वहां इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। जहाँ की हमें पता है जयपुर और श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर है अभी तक के लिए, और कुछ ज़िलों में भी चल रहा होगा इंटरनेट लेकिन अभी बंद है। जो भी इंटरनेट सेवाएँ चालू होती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स।